पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी की टेंशन, और नौकरी की बात जब भी आती है तो कोई इसे जरूरत कहता है तो कोई इसे मजबूरी। लेकिन अब आप भी कहेंगे नो टेंशन। शुरुआती जानकारी और कंपनियों की दिलचस्पी देखें तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई के बाद अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने नौकरी की टेंशन खत्म कर दी है। युवाओं के लिए शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना 2024, जिसके तहत बेरोजगार इंटर्नशिप करेंगे और हर महीने पैसे कमाएंगे। कैसे होगी कमाई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस योजना से जुड़े अपडेट जो युवाओं की उम्मीद बढ़ाता है वो आपको दे देते हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि पोर्टल शुरू होने के कुछ घंटे में, यानी सुबह 11 बजे तक ही 1077 पदों के लिए कंपनियों ने पंजीकृत किया था। ये कंपनियां कृषि, ऑटोमोबाइल और फार्मा क्षेत्रों से जुड़ी हैं, और इन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में युवा बेरोजगारों को मौका देने की इच्छा जताई है। कुछ घंटों में कंपनियों से मिले रेस्पॉन्स से लगता है कि जब फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी तो आंकड़ा बम्पर होगा और दिसंबर में कमाई के साथ सीखने का एक नया सिलसिला शुरू होगा। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से पीएम मोदी हर बार अपने भाषण में युवाओं का जिक्र करते हैं, 2047 के विजन में युवाओं के योगदान की बात करते हैं, उस दिशा में ये योजना एक माइलस्टोन बनेगी। वैसे भी युवाओं को लेकर कई मंचों से पीएम मोदी अपनी प्राथमिकता साफ कर चुके हैं, फिर चाहे रोजगार हो या इनोवेशन, जब भी वो जातियों का जिक्र करते हैं तो गरीब, किसान और महिला के साथ युवा की बात जरूर करते हैं। किसी भी योजना को शुरू करने के बाद मोदी न सिर्फ फीडबैक लेते हैं बल्कि सही तरीके से लगातार योजना के क्रियान्वयन पर जोर देते रहते हैं, और अब बारी है आखिर सीखने के साथ साथ कमाने की भी। वो भी जान लीजिए कि आपको करना क्या है। अब आपको बताते हैं क्या है योजना, कितने रुपए आप कमा पाएंगे और इस योजना की शर्त क्या होगी। युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से सरकार ने 3 अक्टूबर को पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार युवाओं के टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप स्टाइपेंड के साथ देने का मौका दे रही है, यानी आपको काम सीखने के साथ साथ हर महीने पैसे भी मिलेंगे। इस योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में दिया था। योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य 5 साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें इंटर्नशिप ज्वाइन करने को लेकर एक बारगी 6,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, और उसके बाद 1 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष में 1 लाख से भी ज्यादा इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इस पर 800 करोड़ रुपए का खर्च भी आने का अनुमान है। पीएम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी आपको जल्दी से बताते हैं। कंपनियां अपनी जरूरतों और इंटर्नशिप की पोस्ट की जानकारी 10 अक्टूबर तक देंगी। इच्छुक युवा पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि से पंजीकरण कर सकेंगे। आपको इस वेबसाइट पर जाकर मांगी गई जानकारी भरकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। 26 अक्टूबर तक कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची दी जाएगी। हालांकि पोर्टल को अभी पायलट आधार पर शुरू किया गया है। सरकार ने इंटर्न के आवेदन के लिए पोर्टल खोलने के लिए विजयदशमी का एक शुभ दिन चुना है। शुरुआत में हमने कुछ डाटा आपको दिखाया था, अब और विस्तार से एक बार फिर आपको बताते हैं कि अब तक 111 कंपनियां इसमें शामिल हो चुकी हैं। इनमें से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और गुजरात राज्य शामिल हैं। फिलहाल वेबसाइट पर 1077 ऑफर पहले से ही हैं, और कंपनियों ने उत्पादन से संबंधित और रखरखाव से संबंधित रिक्तियों के लिए प्राथमिकताएं साझा की हैं, यानी जहां जहां अभी वैकेंसी है उनके बारे में जानकारी पहले ही साझा कर दी गई है।
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 26 अक्टूबर तक उपलब्ध होगी। कंपनियां 27 नवंबर तक अंतिम चयन करेंगी और इंटर्नशिप 2 दिसंबर 2024 से 12 महीने के लिए शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर भी दिया जाएगा। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले योग्यता की शर्तें भी जान लीजिए। कुछ ऐसी शर्त है जिनको आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 24 साल तक के ऐसे भारतीय युवा अप्लाई कर सकेंगे जो कहीं पर फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हो और फुल टाइम एजुकेशनल कोर्स में पढ़ ना रहे हो। हालांकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल्ड लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल और इससे ऊपर की पढ़ाई कर चुके युवा, आईटीआई सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा वाले या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा जैसे कोर्स करने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही युवा इस स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे जिनके माता पिता या पति पत्नी में से किसी की भी सालाना आमदनी वित्त वर्ष 2023 से 24 में 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अब जानिए किसे नहीं मिलेगी पीएम इंटर्नशिप स्कीम का फायदा और कौन इससे नहीं जुड़ सकता है। आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईएससीआर, एनआईडी, आईआईटी से डिग्री ले चुके युवा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिनके पास सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए या कोई मास्टर्स डिग्री या इससे ऊपर की डिग्री हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो लोग केंद्र या राज्य सरकारों की योजनाओं में कोई भी स्किल अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप या स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हो वो भी इस योजना के पात्र नहीं है। जिन लोगों ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम या नेशनल प्रमोशन स्कीम के तहत किसी भी समय अपनी जो कोर्स है वो पूरी की है या ट्रेनिंग भी ले रहे हों तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बता दें पायलट प्रोजेक्ट के पहले दिन ही कई कंपनियां ऑन बोर्ड आ चुकी हैं और उन्हें इंटर्नशिप के लिए वर्चुअली ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एक कॉल सेंटर भी बाकायदा खोला गया है जो हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ 10 भारतीय भाषाओं में पूछताछ के लिए उपलब्ध है। पहले दिन आई कॉल्स में 44% ग्रेजुएट्स, 13% पोस्ट ग्रेजुएट्स, 14% 12वीं पास और 3% 10वीं पास और 1% 8वीं पास उम्मीदवारों ने कॉल कर पूछताछ की। 20% कॉल अन्य उम्मीदवारों के थे। इंटर्नशिप की चयन प्रक्रिया में एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी कोटा भी लागू होगा। उम्मीदवारों को चुने जाने के समय इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि उन्हें अपने जिले या उसके आसपास पड़ोस में ही इंटर्नशिप का मौका दिया जाए। कंपनियों का शुरुआती रिस्पॉन्स देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये योजना भी मोदी सरकार का माइलस्टोन बन जाएगी। तो इसलिए नो टेंशन नौकरी के लिए। अब आप ये मत सोचिए कि ये मजबूरी है, क्योंकि सरकार आपके लिए लेकर आ रही है खास योजना।